जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नए टॉपिक के साथ। इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब हैं वो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म जो है वो मक्का में हुआ था, सऊदी अरब में 570 ईस्वी में। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम खदीजा था, ठीक है जी। और इनको ज्ञान प्राप्ति हीरा गुफा के अंदर हुई है, जो कि मक्का के पास है। 610 ईसा पूर्व हुआ था ईस्वी में। पत्नी का नाम इनकी का खदीजा था, दामाद का नाम अली हुसैन था और पुत्री का नाम फातिमा था। पवित्र ग्रंथ इस्लाम धर्म में जो है वो कुरान को मानते हैं। और इनकी मृत्यु जो है 8 जून 632 ईस्वी में मदीना में इनको दफनाया गया है। तो इस तरीके से इनका जो है जीवन परिचय रहा है, जो कि मैं आपको वन लाइनर की फॉर्म में शॉर्टकट में बता रहा हूं। इसके बाद आ जाता है इनका जीवन परिचय और उसके अन्य तथ्य। जीवन परिचय, हजरत मोहम्मद साहब जो है, जैसे मैंने आपको कहा, इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। क्या थे? इस्लाम धर्म के ये क्या थे? संस्थापक थे, ठीक है, ये आप रखिएगा। हजरत मोहम्मद साहब की शादी जो है वो 25 साल की अवस्था में इन्होंने कर ली थी। खदीजा नामक एक महिला थी जो कि एक विधवा थी, उनके साथ इन्होंने शादी की है, ठीक है। 24 सितंबर 622 को पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना की जो है वो यात्रा की। इस्लाम जगत में जो है मुस्लिम संबत, यानी कि मुसलमानों का जो होता है, यानी कि मुस्लिम के का जो कैलेंडर है उसको हिजरी संबत कहते हैं, के नाम से भी जाना जाता है। अब हिंदुओं का जो है जैसे शक संबत होता है, ठीक है। देवदूत गैब्रिल के अनुसार जो है पैगंबर मोहम्मद जो को कुरान अरबी भाषा में जो था उन्होंने लिखा था। पैगंबर मोहम्मद ने कुरान की शिक्षाओं का ही उपदेश दिया है, जो कुरान में लिखा है उसकी उस पर उपदेश दिए थे। और नमाज पढ़ती वक्त, ठीक है, जिस दिशा में हम नमाज को पढ़ते हैं उस दिशा को जो है हम किबला कहा जाता है, ठीक है। किबला का क्या अर्थ है? तो किबला का अर्थ है जिस दिशा में जो है मक्का की तरफ करके हमने मुंह करके जो है नमाज पढ़ते हैं तो उसे हम किबला कहते हैं। आगे आ जाता है हमारा टॉपिक, साथ में पैगंबर हजरत मोहम्मद मोहम्मद के उत्तराधिकारी जो है उसको हम क्या कहते हैं? खलीफा के नाम से कहते हैं, ठीक है। 8 जून 632 ईस्वी को हजरत मोहम्मद की मृत्यु हो गई, उसके बाद मदीना में इनको दफना दिया गया था। बाद में ये जो इस्लाम धर्म है ये दो पंथों में यानी कि विभक्त हो गया, अलग अलग दो भागों में, एक सुन्नी मुसलमान और एक शिया मुसलमान। अब सुन्नी मुसलमान यानी कि उन्हें कहा जाता है जो सुन्ना पर विश्वास करते हैं। सुन्ना मतलब पैगंबर हजरत मोहम्मद, क्या है? पैगंबर हजरत मोहम्मद के कथनों पर जो है, उनके कार्यों पर जो है वो विश्वास करते हैं, उसके ऊपर जो आचरण करते हैं वो उसे कहते हैं सुन्नी मुसलमान। जो शिया मुसलमान उन्हें कहा जाता है जो हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं पर तो विश्वास करते हैं, ठीक है, और उन्हें मोहम्मद का न्याय संबत उत्तराधिकारी समझते हैं, ये उनके ऊपर विश्वास करते थे। ये जो है ये पैगंबर हजरत मोहम्मद के ऊपर और ये हजरत अली के ऊपर जो है विश्वास करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आगे नोट, याद रखिएगा कि पैगंबर जो हजरत मोहम्मद हैं इनके जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर मनाया जाता है। कई बार पेपर में पूछा जाता है ईद ए मिलाद किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो ये पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ये मनाया जाता है। मोहम्मद साहब की जो शिक्षाएं उपदेश हैं उनका उल्लेख पवित्र ग्रंथ कुरान में मिलता है। कुरान में जो है वो किसका उल्लेख मिलता है? मोहम्मद साहब का मिलता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको ये अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स में ये शेयर करिएगा और तब तक आप इस चैनल पे बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।